हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बायबैक ऑफ शेयर बाय अ कंपनी। अब नेम ही सजेस्ट कर रहा है, एक कंपनी में बाय बैक ऑफ शेयर हो रहा है। बाय का मतलब क्या होता है? खरीदना, और बैक यानी कि जिनको हमने बेचे थे उन्हीं से खरीदना। यानी कि एक कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है, उसके बाद अगर वो पब्लिक कंपनी है तो जो हमारी नॉर्मल पब्लिक होती है वो उन शेयर को क्या करती है, खरीदती है, और एक कंपनी का शेयर होल्डर्स बन जाती है। जब हम अपने शेयर होल्डर से, जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से अपने ही शेयर्स को खरीदती है, उनसे वापस लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स। सो लेट स्टार्ट। फर्स्टली मीनिंग ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक इज अ कॉर्पोरेट एक्शन इन विच अ कंपनी बाय बैक इट्स शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यूजली एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस। कि बाय बैक एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें एक कंपनी क्या करती है, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यानी कि ऐसे शेयर होल्डर्स, अब शेयर होल्डर्स क्या होते हैं एक कंपनी के, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को खरीद रखा है, अगर आपको उन्हीं से अपने शेयर वापस लेने हैं तो ऑब्वियसली आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से लोगे, पहले नया इशू करोगे फिर बाय बैक करोगे, ऐसा तो आप करोगे नहीं। जो पहले से आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास आपके शेयर्स हैं कंपनी के, उनसे जब आप शेयर्स खरीदते हो और उसे हम क्या बोलते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स। और जो बायबैक ऑफ शेयर है वो यूजुअली क्या किया जाता है, जो हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है उससे हायर प्राइस पे किया जाता है। कि अगर मान लो हमारे मार्केट प्राइस 10 है तो हम 12 पे, हम 12 पर शेयर पे अपने शेयर होल्डर से बायबैक करेंगे। ए बाय बैक अलाउ कंपनी टू इन्वेस्ट इन themselves। कि एक बाय बैक क्या कर रहा है, अपनी एक कंपनी को अलाउ कर रहा है कि वो खुद में ही इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि वो अपने ही शेयर होल्डर से ले रही है और खुद ही खरीद रही है। बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन द मार्केट, बाय बैक इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अ शेयर अ कंपनी ओन्स। कि अगर कंपनी अपने ही शेयर खरीद लेती है अपने शेयर होल्डर से, तो वो क्या करता है, कंपनी की वैल्यू बढ़ा देता है मार्केट में, और रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन द मार्केट। कि आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स हैं जिनकी कॉल्स पे नहीं हुई है, उनको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। सो बायबैक मेनली क्या है, कि जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से अपने ही शेयर्स को वापस खरीदती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स। वो किसी भी रीजन से कर सकती है, उसके बिहाइंड कोई भी रीजंस हो सकते हैं, जब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई कंपनी डू बायबैक ऑफ शेयर। कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से शेयर्स क्यों खरीदती है, उसके पीछे क्या पर्पस होते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। सो फर्स्ट है टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ अ कंपनी। कि जब एक कंपनी अपने शेयर्स को अपने शेयर होल्डर से हायर प्राइस पे खरीद रही है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो ऑब्वियसली उनकी रेप्यूटेशन और गुडविल तो बढ़ेगी, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे कि कंपनी के पास पैसा है, कंपनी के पास फंड्स हैं, तभी तो वो जो प्राइस मार्केट में चल रहा है उससे ज्यादा प्राइस पे अपने शेयर होल्डर से शेयर्स को खरीद रही है। तो उससे क्या होगा कि कंपनी की रेप्यूटेशन इंक्रीज होगी, उनकी गुडविल इंक्रीज होगी, अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टर। अगर अब कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज हो रही है, उसकी गुडविल इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या एक तरीके से पॉजिटिवली फेवरेबली अफेक्ट करेगी, फेवरेबल इंपैक्ट डालेगी कंपनी के ऊपर। क्योंकि अगर लोगों को ये लगेगा कि आपकी कंपनी में फंड्स अवेलेबल है, आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, तभी तो आप अपने शेयर होल्डर्स से ज्यादा मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे शेयर खरीद रहे हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगी आपकी कंपनी की तरफ, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके इश्यूज को खरीदना चाहेंगे। टू इम्प्रूव द अर्निंग पर शेयर। क्योंकि जब भी आप बायबैक करते हो तो आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से करते हो, जो आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बायबैक कर रहे हो, उनसे शेयर्स ले रहे हो, तो वो नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर कम होने से क्या होगा, हमारी अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अगर एक शेयर होल्डर के पास 100 रुपीज थे, अगर मान लो हमारा टोटल एक शेयर होल्डर को हम पैसे दे रहे हैं वो 1000 है, और उसके पास 100 क्या है, शेयर्स हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 क्या हुआ, 10 पर शेयर उसे मिल रहा है। यानी कि उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है, हर शेयर पे उसे 10 रुपए मिल रहे हैं। ऐसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, उसके शेयर्स कम कर रहे हैं। पहले उसके 100 थे, 100 से हमने उसे 50 तो हमने उसे वापस खरीद लिए, बच कितने गए उसके पास, 50 बच गए। अब उसे जब 1000 रुपए मिलेंगे और वो कितने शेयर्स पे मिल रहे हैं, 50 शेयर्स पे मिल रहे हैं, यानी कि अब उसकी अर्निंग पर शेयर कितनी हो जाएगी, 20 रुपए पर शेयर। यानी कि हर शेयर पे वो 20 रुपीज अर्न कर रहा है, और पहले कितने अर्न कर रहा था, 10 रुपीज अर्न कर रहा था। तो वो क्या करता है, हमारी कंपनी का ईपीएस रेशियो इंक्रीज कर देता है, अर्निंग पर शेयर को इंप्रूव कर देता है।
इट प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट टू द शेयर होल्डर्स, कि जब हम अपने शेयर होल्डर्स का, ऐसा नहीं होता कि वो शेयर होल्डर से हाफ ही लेते हैं, कोई प्रोपोर्शन में लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो शेयर होल्डर्स जो हैं उनसे कंप्लीटली बाय बैक कर ले, जितने भी शेयर उनके पास हैं वो सारे शेयर कंपनी वापस खरीद ले। तो ये एक क्या है, एक एडिशनल रूट प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर्स को कि वो कंपनी को एग्जिट कर सके, क्विट कर सके, क्योंकि शेयर होल्डर्स के जब हमने सारे शेयर्स खरीद ही लिए तो अब उनका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं बचा। इट रिटर्न सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर्स, अब हमारी कंपनी के पास फंड होंगे तभी तो हम बायबैक करेंगे, जो हमारे पास सरप्लस कैश है वो हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो मार्केट प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस पे शेयर होल्डर से खरीदते हैं। टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा, कि तब हमें ये लग रहा है कि हमारे जो इक्विटी शेयर्स हैं वो कुछ ज्यादा ही मतलब लोगों के पास आ गए हैं, हमारे पास टेक ओवर के चांसेस हो सकते हैं। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ओनर ऑफ कंपनी, अगर आपके सारे इक्विटी शेयर बिक चुके हैं लोगों के हाथ में तो वो आपकी कंपनी के ओनर बन जाएंगे, जिससे टेक ओवर का खतरा बना रहता है। सो आप क्या सोचते हो कि आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ कि टेक ओवर का कोई भी डेंजर ना हो, कोई भी ऐसा साइन ना हो। सो उससे आप क्या करते हो, इम्प्रूव करते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को। क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है कि आप आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने ही कंपनी के विद इन कंपनी आप शेयर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, और उससे क्या आपके मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, क्योंकि आपकी गुडविल बढ़ी, आपकी रेपुटेशन बढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को आपने अट्रैक्ट किया, उससे आपकी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज परचेज कैन बी मेड आउट ऑफ, कि जो भी हम बायबैक को परचेज करते हैं, जो भी हम बायबैक करते हैं वो कौन कौन से फंड्स हमारे पास होते हैं, हम अपने फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहाँ होता है, जो भी हमने शेयर इशू किए थे जब वो प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं, यानी कि हमारी अगर फेस वैल्यू 10 थी और हमने इशू किए 15 पे, सो जो हमें प्रीमियम पे अकाउंट मिलता है वो किसमें अमाउंट मिलता है वो किसमें जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और उस अमाउंट को हम किस चीज में यूज कर सकते हैं, बायबैक में यूज कर सकते हैं। द प्रोसीड ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज, किसी और शेयर या सिक्योरिटी से कुछ प्रोसीडिंग हुआ है, उससे पैसे आए हैं, उससे भी हम बायबैक कर सकते हैं, लेकिन नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर और सिक्योरिटी शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ अर्लियर इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, कि जो भी सिक्योरिटी आप खरीदने जा रहे हो, जो भी शेयर्स या सिक्योरिटीज आप खरीदने जा रहे हो, उसी टाइप की सिक्योरिटी से जो पैसे आए हैं वो हम यूज नहीं कर सकते, किसी और सिक्योरिटी से जो प्रोसीडिंग्स आई हैं हम उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसे उसी टाइप की सिक्योरिटीज को क्या करते हैं, यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज प्रिलिमिनरी एक्शंस, कि हमें शुरुआत कैसे करते हैं बायबैक के लिए, प्रिलिमिनरी एक्शंस क्या होते हैं। इट मस्ट बी ऑथराइज बाय आर्टिकल, कि सबसे पहले जब भी हम कुछ भी कंपनी में करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसे अलाउ करता है या नहीं। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज है भी या नहीं, अगर हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसे ऑथराइज नहीं करता है तो सबसे पहले हम आर्टिकल में ही ऑल्टरेशंस करते हैं, देन ऑथराइज होने के बाद हम आगे एक्शंस लेते हैं। अब हमें आर्टिकल ऑफ में ऑथराइज किया है, देन वी हम क्या देखेंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड एट अ जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, कि जो कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, एजीएम हो, स्पेशली ये क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ही होती है, ईजीएम जो हमारे मेंबर्स की होती है, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए बायबैक के लिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनमें से 75% ने हाँ भरी हो, 75% हमारे साथ कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ हम बायबैक कर सकते हैं, तभी हम बायबैक कर सकते हैं, अदरवाइज हम बायबैक नहीं कर सकते। हमें 75% शेयर होल्डर्स की कंसेंट रिक्वायर्ड होती है। सच बायबैक हैज बीन ऑथराइज बाय द बोर्ड बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट मीटिंग, कि अगर हम ईजीएम नहीं कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ होना चाहिए, वहां पे रेजोल्यूशन पास हुआ हो कि हम बायबैक कर सकते हैं, तो भी हम बिना ईजीएम के बायबैक कर सकते हैं। द बायबैक इज 25% और लेस देन द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ अ कंपनी, कि जो भी कंपनी की एग्रीगेट पेड अप कैपिटल है या फिर फ्री रिजर्व है उसके 25% को ही हम बायबैक कर सकते हैं या फिर उससे कम, हम ज्यादा से ज्यादा 25% पेड अप कैपिटल को ही क्या कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1, कि जो अगर आप बायबैक करना चाहते हो तो आपकी कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए, उससे बेटर हो सकता है, लेकिन उससे अगर अच्छा
अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम बायबैक नहीं कर सकते, पहले हमें अपने रेशियो को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऑल द शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर द बायबैक आर फुली पेड अप, कि जो भी सिक्योरिटीज, जो भी शेयर्स का आप बायबैक करना चाहते हो वो फुली पेड अप होनी चाहिए, वो पार्शली पेड अप नहीं होनी चाहिए। अगर पार्शली पेड अप है तो आप उनका बायबैक नहीं कर सकते। इफ शेयर्स और सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, लिस्टेड यानी कि वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा रखी हैं, सो बायबैक विल बी अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय सेबी, कि हमारा जो सेबी है उसके अकॉर्डिंग, उसकी जो रेगुलेशंस हैं, उसके प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम बायबैक करेंगे अगर हमारी कंपनी क्या है, लिस्टेड है, हमने अपने शेयर्स को लिस्ट करा रखा है। नो ऑफर ऑफ बायबैक शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग बायबैक, यानी कि अगर आपने आज बायबैक किया है तो आप अगले एक साल तक दोबारा बायबैक नहीं कर सकते, एक साल में एक बार ही आप बायबैक कर सकते हो। द बायबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ अनलिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटीज, कि अभी हमने किया था कि अगर वो लिस्टेड हैं तो सेबी के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन अगर वो अनलिस्टेड हैं, वो शेयर एंड सिक्योरिटीज कहीं लिस्टेड नहीं है, तो हम शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग बायबैक करेंगे। नाउ सोलवेंसी डिक्लेरेशन, कि जब भी हम बायबैक करते हैं तो उसे करने से पहले हमें सोलवेंसी डिक्लेरेशन भी देना होता है। जो हम कर रहे हैं अभी उसमें क्या, हमने जैसे अभी डिस्कस किया है कि प्रिलिमिनरी हमारे क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, यही हमारी एक तरीके से प्रोसीजर है, कि जब हम प्रोसीजर करते हैं बायबैक का तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे प्रिलिमिनरी एक्शंस कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही। सो सोलवेंसी डिक्लेरेशन क्या होता है, बिफोर मेकिंग सच बायबैक डायरेक्टर फाइल विद द रजिस्ट्रार अ डिक्लेरेशन ऑफ सोलवेंसी साइंड बाय एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स, कि हमारा क्या है, बायबैक करने से पहले हमें रजिस्ट्रार यानी कि आरओसी के पास सोलवेंसी डिक्लेरेशन भेजना होता है, जो एटलीस्ट टू डायरेक्टर, कंपनी के दो डायरेक्टर ने साइन कर रखा हो, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। सो सोलवेंसी का मतलब क्या होता है, कि वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि उन्होंने सारी इंक्वायरी की है कंपनी के रिगार्डिंग। वंस ऑफ वूम शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर, कि उनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। वेरीफाइड एन एफिडेविट टू द इफेक्ट ऑफ दैट बीओडी ऑफ अ कंपनी हैज मेड अ फुल इंक्वायरी, उसमें क्या लिखा होता है कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूरी इंक्वायरी की है इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स के रिगार्ड। As a result of which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liability and will not be insolvent. कि इसमें हमें क्या लिखना होता है कि BOD ने इंक्वायरी की है और उसका रिजल्ट यही आया है कि कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी, वो बायबैक कर सकती है और वो अपनी सारी लायबिलिटी भी पे कर सकती है, वो कैपेबल है इन सब के साथ डील करने के लिए। अगर वो कैपेबल नहीं होती है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो सकती है आने वाले टाइम पे, तो हम बायबैक नहीं कर सकते हैं। अब टाइम लिमिट क्या होता है, एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन और इन केस में बी रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड, कि हमने किया था कि हमारे जो एसेंशियल्स थे प्रिलिमिनरी जो हमने किया था उसमें क्या था, या तो EGM में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें 75% ऑफ हमारे शेयर होल्डर्स कंसेंट भर रहे हों, लेकिन अगर हमारे बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ है तो जब भी जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है बायबैक के रिगार्डिंग उसके अगले एक साल के अंदर अंदर ही हमें बायबैक करना होता है, वरना फिर वो जो हमारा रेजोल्यूशन है वो वॉइड हो जाता है और इनवैलिड हो जाता है। एस्टिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, कंपनी शैल एस्टिंग्विश द फिजिकली, यानी कि हमारा जो सर्टिफिकेट है, अब हमने अपने शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट तो दे रखा था, जब हम उनसे वो शेयर्स खरीद लेते हैं, वापस खरीद लेते हैं, तो जो हम उनके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है उसे खत्म करने का काम भी होता है। कंपनी शैल एस्टिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय, यानी कि उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना द शेयर और सिक्योरिटीज, सो बाय बैक विद इन 7 days ऑफ लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बाय बैक, कि जिस दिन आपका बायबैक कंप्लीट हुआ था उससे अगले 7 दिन के अंदर अंदर वो जो डिस्ट्रॉय करने होते हैं फिजिकली, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जो शेयर सर्टिफिकेट थे जिनको हमने बायबैक किया है। नो फर्दर इशू टिल 6 months, अगले 6 महीने के अंदर अंदर हम उन्हीं सिक्योरिटीज या शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स को क्या किया है, बायबैक किया है, तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आप कोई भी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते हो। ए कंपनी कंप्लीट द बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी विल नॉट मेक अ फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर और सिक्योरिटी इन नेक्स्ट 6 months, कि जो सिक्योरिटी या फिर जो शेयर कंपनी ने बायबैक किए हैं आने वाले 6 months के अंदर अंदर उन्हें हम दोबारा इशू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन 2 cases, कि 2 type में हम उन्हें इशू कर सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ बोनस शेयर, अगर हम बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं तो हम उन्हें इशू कर सकते हैं, बोनस शेयर भी हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही देते हैं, और इन डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन सच एज स्टॉक ऑप्शन स्कीम स्वेट इक्विटी,
यानी कि किसी ऑब्लिगेशन, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिस्चार्ज में अगर आप कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। रजिस्टर टू बी मेंटेन, अब जो भी बायबैक है हमें उसका रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ता है। कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज दैट कंसिडरेशन पेड फॉर देम, यानी कि हमें उसमें क्या लिखना होता है, शेयर जो भी शेयर्स या सिक्योरिटीज जो भी हमने बायबैक की हैं उसको हमने किस प्राइस पे बायबैक किया है, कितनी सिक्योरिटीज हमने बायबैक की हैं, किस डेट पे की हैं, एस्टिंग्विश यानी कि डिस्ट्रॉय हमने उसे किस डेट पे किया। द रजिस्टर ऑफ शेयर बायबैक शैल बी मेंटेन्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, और ये जो रजिस्टर है जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ मेंटेन किया जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी एंड कैप्ट इन कस्टडी ऑफ सेक्रेटरी, और किसकी कस्टडी में होता है, सेक्रेटरी की कस्टडी में होता है या फिर एक पर्सन जो बोर्ड ने ऑथराइज कर रखा है, यानी कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, या तो हमारे सेक्रेटरी की कस्टडी में होगा या फिर जो एक पर्सन है जिसे बोर्ड ने ऑथराइज कर रखा है उसे मेंटेन करने के लिए उसी की कस्टडी में वो होगा। पनिशमेंट फॉर एनी डिफॉल्ट, कि बायबैक के ड्यूरिंग अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। इफ एनी कंपनी डिफॉल्ट इन द बायबैक सो इट इज पनिशेबल विद द फाइन, कि आपको पनिशमेंट फाइन में भी मिलेगी और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। विच शल नॉट लेस देन, कि 1,00,000 मिनिमम का फाइन होता है और मैक्सिमम वो कितने का हो सकता है, 3,00,000 तक का हो सकता है। 1,00,000 से 3,00,000 के बीच में कंपनी को फाइन बियर करना पड़ेगा। और कोई ऐसा ऑफिसर है जिसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ है तो वो ऑफिसर इम्प्रिजनमेंट भी फेस कर सकता है और फाइन भी फेस कर सकता है जो 1,00,000 से 3,00,000 के बीच में होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर दोनों लगे, उसे फाइन भी देना पड़े और इम्प्रिजनमेंट भी हो। सो आई होप यू आर क्लियर विद टूडेज टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। एंड थैंक यू, कीप सपोर्ट।